नमस्कार। यूपी ट्रिपल एससी पीटी का विज्ञापन जारी हो चुका है और अब सबसे बड़ी बात आती है कि तैयारी हम कैसे करें। अगर हम पूर्व की परीक्षा को देखें तो कहीं ना कहीं जो पिछली बार कट ऑफ गया था वो विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत हाई गया था और बहुत सारे बच्चे 99% भी पाए थे। इस बार हम क्या करें, जब सिलेबस आपका सेम है, पैटर्न आपका सेम है, आपके पास कंटेंट भी वही है, आपने पिछले साल भी तैयारी वही की है, आपके पास सारे रिसोर्सेज भी वही हैं, तो इस बार हमारे तैयारी का तरीका क्या होना चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, क्या हमें कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या फिर हमें सेल्फ स्टडी करना चाहिए या फिर हमें किस किताबों को फॉलो करना चाहिए, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। मैं बहुत सारी बातों को यहाँ पे डिस्कस करूंगा, एक एक पॉइंट को मैं आपको क्लियर करूंगा, कैसे तैयारी है, क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा, कितने पद आएंगे, इस बार चर्चा हो रही 20,000 पद, तो क्या 20,000 से ज्यादा हो सकते हैं या जैसे 2021 में किए हैं कम, केवल लेखपाल और एएनएम पे दिमाग लगाए हैं तो ऐसा हो सकता है, तो इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली जो आपने थंबनेल देखा है कि जो निःशुल्क में तैयारी कैसे की जाए वो बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए आया हूं। तो थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, 99% का हमारा टारगेट होगा और निःशुल्क तैयारी के बारे में हम लोग यहां पे चर्चा करेंगे। 20,000 पद आने हैं, कोचिंग या सेल्फ स्टडी ले, बुक्स ले, टेस्ट कौन सा होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें और इस बार कट ऑफ क्या जा सकती है। कुछ प्रश्न हम लोग यहां पे करेंगे कि पेट 2022 के अंतर्गत परीक्षाएं कौन सी होनी है, लोअर पीसीएस कब तक आ रहा है, लेखपाल फिर से कब तक आ रहा है और वीडियो का एग्जाम, एक तो री एग्जाम है जो पीटी से नहीं होगा और जो दोबारा आ रहा है वो किस पीटी से होगा और कितने पद आ रहे हैं, तो तमाम चीजों की हम लोग यहां पे करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि टीम परीक्षा प्लस निशुल्क बैच इस बार चला रही है इसका पीईटी का, इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे, अभी इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे समझो कि आप परीक्षा प्लस ऐप पे जाके निशुल्क तरीके से जुड़ सकते हो और बहुत बेहतरीन तरीके कर सकते, तैयारी कर सकते हो पीईटी एग्जाम की। आते हम लोग डिस्कस करते हैं, जो आज हम लोग पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं इसमें क्या है, एक तो आपका सिलेबस है, सिलेबस आप लोग जानते भी, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। 80 प्लस एक जो हवा बना रखे हैं लोग कि 80 प्लस 85 प्लस कैसे आता है, चीटिंग से ही लोग आते हैं, ऐसा नहीं है, तो उसको मैं आपको बताने आया हूं कि यकीनन अगर आप थोड़ा सा माइंड सेटअप आप कर लोगे तो 80 प्लस क्वेश्चन लाना आसान है और मैक्सिमम बच्चे लाए भी हैं। बच्चे तो 86, 87, 88, 90 के ऊपर लेके आए हैं 99% वाले, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे 75 से 80 और 85 के बीच में, बहुत बड़ा मास है ये, मैं आपको समझाऊंगा और फिर से लाया जा सकता है, थोड़ा और मेहनत कर दोगे तो 99% आ जाएगा। सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे मैं आपको विशेष जोर देने वाला हूं कि आपको हर सब्जेक्ट, पिछली बार क्या हुआ था, बच्चों ने गलती की थी कि इंग्लिश को और मैथ्स को इग्नोर करके चले थे, मैथ्स में तो बेड़ा पार हो गया था बट इंग्लिश में दो तीन क्वेश्चन छोड़ दिए थे। ऐसे बच्चे जो जीएस बैकग्राउंड वाले हैं वो इंग्लिश को एकदम टच नहीं किए, मैथ्स को एकदम टच नहीं किए, जिनके कारण उनका परसेंटाइल कम हो गया, तो ये गलती ना करें, और जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं वो जीएस को ना स्किप करें। ये सारी हम लोग स्ट्रेटेजी यहां पे डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है मैं सारे आपको यहां पे बताने चाहूंगा। कुछ स्पेशल कोर्स किया नहीं है, जैसे इसमें स्पेशल एलिजिबिलिटी मांगता है जिसमें आपको कुछ अलग से ही शैक्षिक हालता होनी चाहिए, एक जनरल जैसे लेखपाल हो गया, वीडियो हो गया, अन्य हो गया, तो जो जनरल वैकेंसी होती है उसमें तो कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि एक बात समझना कि अभी तक अधीनस्थ क्या करता आ रहा है, सब टुकड़े में वैकेंसी निकाल रहा है, कोई 76 पद का निकाल रहा है, कोई 200 पद का निकाल रहा है, कोई 2000 पद का निकाल रहा है, तो एक ही बच्चा हर एग्जाम में बैठ रहा है, तो 99% वाला बच्चा लगभग हर एग्जाम में बैठेगा, वही हर बार सेलेक्ट होगा, कम परसेंटाइल वाला क्या रहेगा, चूक जाएगा। और यही मैं आपको बार बार कहना चाह रहा हूं कि अगर आप किसी भी एंगल से पीटी को नकार रहे हो या इग्नोर कर रहे हो तो भैया इग्नोर मत करो, आपके हाथ में कुछ और नहीं है तैयारी के अतिरिक्त, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करो। और मैं जानता हूं कि दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक होते हैं जो मजाक बनाते हैं, एक बच्चे होते हैं जो अपनी तैयारी में जुट जाते हैं, और जो तैयारी में जुट जाता है वही 99% लेके आता है, वही आज लेखपाल की भी परीक्षा दे रहा है, वही आज सारी यूडीएलडी की परीक्षा दे रहा है और आगामी जो भी परीक्षाएं होंगी वो भी वही बच्चा देगा, और जो कहीं ना कहीं केवल एक दिमाग में रहता है अरे ये ऐसा है वैसा है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा आपको माइंड मेकअप करना पड़ेगा, वरना कहीं ना कहीं आप हमेशा निराशा की तरफ ही रहोगे। थोड़ा सा माइंड सेटअप करते हैं, खैर मेरी बातें हो सकता है बहुत लोगों को बुरी भी लगे, लेकिन मैं कुछ बातें बहुत फैक्ट बोलता हूं और आप पर्याप्त समझदार हो, आप ये जानते हो कि कौन आपके लिए सही बोल रहा है, कौन आपके लिए गलत बोल रहा है। हालांकि मुझे भी बड़ा विडंबना लगता है, बड़ा अजीब लगता है, अभी किसी बच्चे ने हमारे ग्रुप पे ही मैसेज किया, बोला कि आ गए पीटी का विज्ञापन इनके यूट्यूब वालों की बल्ले बल्ले, तो लिटरली ऐसा हो गया है, जो यूट्यूबर्स हैं या जो भी हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा कर रहे हैं और बच्चों के साथ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा निराशा हो रही है उनके, बार 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 कोर्स बेचो, और यही सारा कारण है कि टीम परीक्षा प्लस आपके लिए पीटी बैच निःशुल्क लेके आई है और दुगनी एनर्जी के साथ, दुगनी तैयारी के साथ, दुगना जबरदस्त आपका कंटेंट है, क्वालिटी के बारे में परीक्षा प्लस के जानते ही हो। तो डिमेरिट ऑफ डिफरेंट वैकेंसी मैंने आपको बता ही दिया और इस बार तैयारी के लिए रिसोर्स क्या होने चाहिए इस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं
आपको बता दूं इस बार कौन कौन से विभाग से वैकेंसी आ सकती है, तो एक तो आपका वीडियो आ ही सकता है, ठीक है, यहां पे वीडियो आ ही सकता है। स्वास्थ्य विभाग से आपकी इस बार वैकेंसी आने वाली है और स्वास्थ्य विभाग से अच्छी खासी वैकेंसी। अभी शासन का कार्य चल रहा है और शासन ने जैसे ही आदेश दिया वैसे ही जितने ये मेडिकल कॉलेजेस हैं, जितने भी यहां पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, इसमें जो क्लर्क की पोस्ट है ये सारे के सारे, और अभी A&M का आपने देखा ही, और भी बहुत सारे पद आएंगे, तो स्वास्थ्य विभाग में क्लर्क लेवल का भी और नर्सिंग लेवल के भी बहुत सारी वैकेंसी आना बाकी है। आवास विकास में भी बहुत सारे पद है, PWD परिवहन विभाग, इसमें वैकेंसी आनी है। कृषि विभाग में आनी है, मंडी परिषद की से वाणिज्य कर, अमीन टैक्स कलेक्टर हो गया, विपणन निदेशक, रोडवेज भर्ती होता है, इंटर कॉलेज क्लर्क में होते हैं, मंडी परिषद का मैंने बता ही दिया, फायरमैन का आपका आता है, कंप्यूटर ऑपरेटर एक आपका रिजल्ट आने वाला है, दूसरा फिर से आने वाला है, विश्वविद्यालय महाविद्यालय क्लर्क, ये भी एक बड़ी वैकेंसी है। यहां पे भी आपका टाइपिंग मांगेगा, क्लर्क का मांगेगा, और टाइपिंग वालों के लिए बहुत जबरदस्त वैकेंसी 2023 में पीटी 2022 के थ्रू आना है। एक बात आप बच्चों समझना कि जब पीटी 2021 लॉन्च किया उसके खिलाफ बहुत ज्यादा विवाद भी था और सरकार ने ये आदेश तो दे दिया था, शासन ने आदेश दे दिया था, किंतु आयोग इसके लिए बहुत ज्यादा प्रिपेयर नहीं था, उसे ये नहीं कंफर्म था कि क्या ये चीज सक्सेस हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, किंतु शासन अपने उस पर अडिग रहा और आयोग को वैसे चलना पड़ा, जिसका खामियाजा हमने देखा कि वो एक ही दो वैकेंसी निकाल पाई। लेकिन वर्ष 2023 में, क्योंकि एक बात समझना, 2022 में चुनाव का माहौल होगा, 2024 में, और वर्ष 2023 आपके लिए निर्णायक होगा, तो एक कहावत है, बहती गंगा में हाथ धो लो, मैं आपको भी बोलूंगा अगर ऐसा है तो आप भी, ये जो बहार आएगी वर्ष 2024 के कहीं ना कहीं चुनाव के माहौल वाली, उसमें बहुत सारे पद आएंगे और बहुत तेजी से पूरे होंगे, तो ऐसा ना हो कि आप चूक जाओ और यहां पे आप तैयारी कर लो, अगर परसेंटेज अच्छा आ गया तो मेंस निकलना आसान होता है। बाकी हम लोग देख लें तो यहां पे सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षण का आएगा, प्रभारी कृषि बीज भंडार का आएगा, प्राविधिक सहायक का आएगा, राजस्व निरीक्षक, सहायक लेखाकार, ये आपका आने वाला है बहुत जल्द, कनिष्ठ लिपिक और वरिष्ठ लिपिक, इसके करीबन 2000 पद अधियाचन में आ चुके हैं, ये बढ़ने वाले हैं, औद्योगिक विकास प्राधिकरण लखनऊ, नोएडा, गोरखपुर और प्रयागराज, ये नए पद सृजन हुए हैं और ये फिर से ये बहुत जबरदस्त तरीके से भरने वाले हैं। सहायक चकबंदी अधिकारी, अभी आपका राजस्व आया है, चकबंदी का बहुत पहले आया था, बीच में आया था तो टल गया था, तो फिर से चकबंदी आने वाला है 2016 के बाद, तो ध्यान दीजिएगा। ड्राफ्टमैन का, फॉरमैन का और खजांची, ठीक है ना, यहाँ पे जो होते हैं, और चालक यानी चालक परिचालक, वही जो ये UPSRTC की बसें चलती हैं उनके भी जो सिलेक्शन होते हैं ये UP SSC के आधार पे ही होते हैं। तो इतने सारे विभाग हैं जहां से वर्ष 2023 में वैकेंसी अधियाचन हर विभाग से लिया जा रहा है। शासन बार बार जोर दे रहा है कि आप जितने भी जहां भी पद खाली हो किसी विभाग के हो आप लेके आओ, वो चाहे मेडिकल का हो, वो चाहे विद्यालय का हो, वो चाहे यहां पे बस सेवा हो, वो चाहे कोई अन्य सेवा हो, वो सारी सेवाओं से यहां पे कर रहे हैं। खैर, हमारा जो आज का सेशन का फोकस है वो ये है कि आखिर जो मैंने आपसे बोला, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर आप 80+ बोल लो, ये क्या सोच के बोल लो, ये कैसे ला सकते हैं और इतना आसान कैसे है। आपका ये भी कहना है कि सर जितने भी कोचिंग संस्थाएं हैं वो ऑलरेडी इतना बर्डन कर दिए, कोई 2500 का फीस रखे, कोई 1000 का फीस रखे, कोई 2000 का फीस रखे, हम ऑलरेडी इससे पहले कोर्स में जुड़े थे, तो क्या वही मटेरियल काम आ जाएगा, क्या वही तैयारी हमारी काम आ जाएगी, हम लेखपाल की भी तैयारी किए, हम ASI की भी तैयारी किए, हम SI की भी तैयारी किए, तो क्या वहां से हमारी मदद मिल जाएगी। तो अगर इसका उत्तर आप सुनना चाहोगे तो मैं बहुत खुले शब्द में बोलूंगा हाँ, जितना भी आप पढ़ के आए हो वो सब कुछ आपके इस वैकेंसी में काम आना है, वही मटेरियल काम आएगा, वही सारी चीजें काम आएगा, बस एक चीज अंतर होगा, आपका सिलेबस यहां पे थोड़ा छोटा है लेकिन लगभग सारे पॉइंट को कवर करता है, छोटा है लेकिन कवर करेगा, लेकिन आपका पढ़ा जो रिसोर्स है, रिसोर्स तो आपका लगभग वही रहेगा, रिसोर्स आपका जो रहेगा वो सेम रहेगा, किंतु आपकी जो स्ट्रेटजी है वो अलग रहेगी। स्ट्रेटजी सारे एग्जाम से, और मैं बोलूंगा इवन पिछली PET से स्ट्रेटजी इस बार क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। तो इसीलिए मैं आपको बहुत सारी चीजें यहां पे बताने आया हूं, हो सकता है वीडियो 2-3 मिनट 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा निर्णायक साबित होने वाली है। मैं हमेशा की भांति हमेशा छात्र हित में वही बातें बोलता हूं जो आपके हित में होती है, हो सकता है मेरी 2-4 बातें आपको बुरी भी लगती है तो मैं उसे मीन नहीं करता हूं, और हो सकता है मेरी कुछ बातें आपको अच्छी भी लग जाए और आप उसके बदौलत सफलता के राह पे चल भी दो और आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त भी हो जाए। खैर, अब 80+ आना कैसे, तो एक चीज देखो, जो आपका पूरा का पूरा सिलेबस है वो 100 क्वेश्चन का है, और 100 क्वेश्चन को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो यहां पे अगर हम GS को देखें तो GS लगभग 30 क्वेश्चन में GS बटा हुआ है, ठीक, 30 क्वेश्चन में GS बटा हुआ है। ऐसे मैथ्स प्लस रीजनिंग को देख लें, इसी में आपका DI होता है, मैथ्स प्लस रीजनिंग, DI कुछ अलग नहीं होता है, कोई बच्चा रीजनिंग का पार्ट मानता है, कोई बच्चा मैथ्स का पार्ट मानता है, लगती मैथ है सोचना रीजनिंग की तरह होता है, और ये भी आपका 30 क्वेश्चन ही पूछता है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे हिंदी का वेटेज अच्छा है, हिंदी से पहले मैं बात करूंगा GS और जनरल अवेयरनेस की,
है ना, जीएस और जीके की बात करूंगा, स्टैटिक जीके की 10-10 क्वेश्चन मतलब कि 20 क्वेश्चन आपका यहां से होता है। फिर आपका हिंदी होता है, हिंदी में आपका 10 पैसेज होता है और 5 आपका ग्रामर होता है, मतलब 15 क्वेश्चन आपका हिंदी का होता है। ठीक, अब आप समझना, इसके अतिरिक्त आपका 5 क्वेश्चन क्या होता है, 5 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का भी होता है। ठीक, इंग्लिश का भी 5 क्वेश्चन होता है। इसे आप देखो तो 30-30, 60-20, 80-80-20, 100 क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ऐसा ही। अब आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, पहली बात तो दिमाग में रखना, जब भी आप किसी चीज की तैयारी करना शुरू करते हो तो भले ही किसी ने कहा है कि आप कोई काम करो, वो उसे करने से पहले आप उस पर अच्छे से विचार करो, तो आप विचार करो कि हमें जिस राह पे हम चलने जा रहे हैं, जो तैयारी हम शुरू करने जा रहे हैं, वो हमारा राह सही है कि नहीं है। क्या होता है, कई बार बच्चा तैयारी शुरू कर देता है और आधी राह के बाद पता चलता है कि अरे यार, जो मैं तैयारी कर रहा था ये तो निरर्थक था, ये तो किसी काम का ही नहीं था, यहां से तो पूछता ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे नए बच्चे होते हैं और इवन पुराने बच्चे भी जो पहले से भी तैयारी करते हैं वो भी सेम गलती दोहराते हैं। तो मैं चाहता हूं बच्चों आप इस बार वो गलती ना करो। एक चीज समझना, पिछली बार ये था कि भैया पीटी का सिलेबस नया था, बहुत बच्चे डाउट में थे कि क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछेगा या फिर सिलेबस के बाहर पूछेगा। तो अगर कोई मुझसे बोले तो मैं अगर इस सेक्शन की बात करूं तो इस सेक्शन में पूरा अप टू सिलेबस था, एक भी क्वेश्चन सिलेबस के बाहर नहीं था। जीएस में करीबन आपको लगभग 15-20% क्वेश्चन एक्स्ट्रा, मतलब 30 का अगर 15-20% निकाला जाए तो 5-6 क्वेश्चन है ना, मैं यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन बोलूंगा कि एक्स्ट्रा था, और वो भी 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं था। कुछ बच्चों का कहना था जैसे ये पूछ लिया चरण संहिता किससे संबंधित है, तो वो हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं था, वो आपका जीए का क्वेश्चन था, जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन था, अगर आप उसे डिस्ट्रीब्यूशन में सही बांटोगे तो अल्टीमेटली जो आपकी पीटी वो सिलेबस के अकॉर्डिंग चलती है। फिर भी हम ये मान के चलेंगे कि 10% हम एक्स्ट्रा, वो भी किस सेक्शन में, केवल जीएस सेक्शन में केवल 10-15% एक्स्ट्रा जानकारी लेके चलेंगे, वो भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये क्या इसमें पढ़ना है, ये 10% जो एक्स्ट्रा करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, टीम परीक्षा प्लस बताएगी कि कौन से पार्ट में आपको पढ़ना है। बाकी आपका जो सेक्शन है वो बहुत ही आसान है। अब समझना, कुछ बच्चे डीआई के लिए परेशान थे, डीआई में दो पार्ट था, एक ग्राफ पार्ट था, एक डीआई पार्ट था, वो टेबल वाला पार्ट था। ग्राफ वाला पार्ट लिटरली इतना आसान था कि आपको कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, आप ग्राफ देखते और सही से आप बता देते कि इसका उत्तर ही होगा। तो ग्राफ आसान पूछता है, टेबल हमेशा थोड़ी सी कैलकुलेटिव होती है, वो केवल पीटी परीक्षा की बात नहीं है, बैंक परीक्षा की बात करें, हम वीडियो एग्जाम की वीडियो की जो पेपर में हुआ था उसकी बात करें, या फिर हम अधीनस्थ के द्वारा अन्य कभी डीआई पूछता है, तो टेबल जो जब भी पूछता है सारणी वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव पूछता है, बट ग्राफ हमेशा आसान पूछता है। तो ये बात समझते हुए चलना कि ग्राफ आपका आसान आने वाला है। और मैथ्स और रीजनिंग ये तो बहुत ही आसान था सिलेबस, अगर आप देखोगे अभी मैं सिलेबस में ही चर्चा करूंगा, ये आप देख लो, जैसे ये इतिहास का है, मैं अगर मैथ्स और उसकी बात करूं है ना, तो यहां पे जो सिलेबस दिया हुआ है प्रारंभिक अंकगणित, और अंकगणित में भी क्या है, पूर्ण संख्या भिन्न तथा दशमलव, ये आपका नंबर सिस्टम का पार्ट है, प्रतिशतता ये मान लो आपका अरिथमेटिक का पार्ट है, साधारण अंकगणितीय समीकरण ये भी नंबर सिस्टम का पार्ट है, वर्ग और वर्गमूल ये भी नंबर सिस्टम का पार्ट है सिंप्लीफिकेशन में, घातांक और घात और औसत ये भी नंबर सिस्टम का पार्ट है जिसे आप सिंप्लीफिकेशन बोलते हो। तो अल्टीमेटली एक नंबर सिस्टम और एक सिंप्लीफिकेशन, दो चैप्टर को मिला लिया जाए तो आपका पूरा सिलेबस केवल इसी पे आधारित है, बाकी आपसे कुछ भी नहीं पूछता है। सिलेबस में केवल 5 पॉइंट आपका है, 5-6 पॉइंट, और आपका 5 अंक यही पूछता है, इससे ज्यादा नहीं पूछता है। तो फिर से वही पूछेगा, वही सर्च पे क्वेश्चन पूछेगा, रैशनलाइजेशन पे क्वेश्चन पूछेगा, नंबर सिस्टम के बेसिक पे क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन आपका प्रतिशतता का पूछा था और वो भी बहुत आसान पूछा था। तो ये बहुत ही इजी होता है, मैथ में आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, मैं आपको 10-15 क्लास नंबर सिस्टम, उसी में आपका सिंप्लीफिकेशन, और इवन में थोड़ा इर्द-गिर्द भी पढ़ा दूंगा कि रिमाइंडर थ्योरम पूछ ले, एलसीएम एससीए पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आपका गलत नहीं होगा। तो 10-12 क्लास का केवल आपका मैथ्स का सिलेबस है, इससे ज्यादा नहीं है। 5 क्वेश्चन में आप पूरी किताब मत पलटो, आप पीटी के लिए आप जो भी तैयारी कर रहे हो तैयारी करते रहो, किंतु जब आप पीटी की तैयारी करो तो आप प्रैक्टिस केवल इसकी करो, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, आप इसी चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास करो। दूसरी बात, बहुत कम लोग ये जान पाते हैं कि जो भी यूपी ट्रिपल एससी होती है इसका एक आधार होता है। यूपी ट्रिपल एससी दो चीजों में बटी हुई है, एक आपका जीएस और एक आपका मैथ्स, और तीसरा बोल सकते हो कि आपका भाषा है ना, जिसे हिंदी और इंग्लिश बोलते हो, लैंग्वेज की बात करूं तो ये तीन चीजों में आपको डिवाइड करता है। मैथ्स में मतलब मैथ्स रीजनिंग डीआई, और लैंग्वेज मतलब हिंदी और इंग्लिश, और जीएस में मतलब जीएस और करंट अफेयर्स और ये पोर्शन। तो जीएस के लिए वो कॉपी किसे करता है, ये बात समझना, जीएस के लिए कॉपी करता है यूपीपीएससी को, यूपीपीएससी को कॉपी करता है। बहुत सारे एग्जाम के बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा, सेम टू सेम सिमिलर पिछले आयोग से उठा लिए गए थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन उठाता है, करीबन 50% क्वेश्चन ये न्यू फ्रेम करता है,
न्यूली फ्रेम करता है। जैसे अगर आपने पिछली बार पीटी दिया होगा तो आपने देखा होगा कि उसने क्या किया, हिस्ट्री में ही एक क्वेश्चन ऐसा बनाया स्टेटमेंट का कि दो स्टेटमेंट उसने मॉडर्न हिस्ट्री का ले लिया, दो स्टेटमेंट उसने मिडिवल हिस्ट्री का ले लिया और उस पर क्या कर दिया, एक क्वेश्चन बना दिया। तो मतलब ऐसा नहीं कि वो मिडिवल से पूछेगा, वो ऐसे पूछेगा। हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको कूट वाले भी मिले थे, मैचिंग वाले भी मिले थे, स्टेटमेंट वाले भी मिले थे, जो प्रायः आपको किसमें देखने को मिलते हैं, उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग के द्वारा जो प्रारंभिक परीक्षा होती है पीसीएस प्री, उसमें आपको देखने को मिलेंगे, या आरओ की प्रारंभिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो उसका स्तर थोड़ा सा उनके प्री से हल्का सा डाउन होता है, फैक्ट सिंपल होते हैं बट क्वेश्चन का पैटर्न वही उठाते हैं। तो इसका मतलब ये कॉपी भी यूपीपीएससी से कर रहे हैं। मैथ्स और रीजनिंग ये टोटल एसएससी के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन एज इट इज उठा लेते हैं, एज इट इज। कई बार मतलब ऐसे डिजिट भी नहीं बदले हैं। आप लोअर की परीक्षा में आपको दिखाया था, लोअर की परीक्षा में एग्जैक्टली उठाए थे, पिछले पीटी में एग्जैक्टली उठाए थे, वो फिर से उठाएंगे। दूसरी बात आती है क्या, यहाँ पे लैंग्वेज, और लैंग्वेज में जब इन्हें पैराग्राफ की बात करनी होती है तो पैराग्राफ के लिए किसी स्टैंडर्ड बुक को नहीं उठाते, ये फिर से प्रीवियस ईयर जाते हैं। तो हिंदी के लिए यूपीपीसीएस और अंग्रेजी के लिए एसएससी या रेलवे, इनसे उठाते हैं, या फिर जहां पे अन्य लैंग्वेज पूछता है उन आयोग से उठाते हैं। तो अल्टीमेटली तैयारी के दरमियान आपको यूपीपीएससी जीएस के मामले में केवल यूपीपीएससी, और मैथ्स और लैंग्वेज के मामले में एसएससी के क्वेश्चंस को भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना। और ऐसा नहीं कि सारे समग्र रूप से नहीं, आपके पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं, जैसे मैं मैथ की बात कर रहा था ऐसे ही आपके जीएस की बात करें, ऐसे ही सारी की बात करें। तो यहां पे अगर हम एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी देखें तो ये जो 30 क्वेश्चन है, ये 30 क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये 30 क्वेश्चन बहुत ही आसान है, वेरी इजी मैं बोलूंगा कैटेगरी में आता है, और बहुत आराम से थोड़ी सी आप अंडरस्टैंडिंग बना लेते हो। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, मतलब आप करोगे तो सही होगा, गलत होगे तो आप जान जाओगे कि ये क्वेश्चन गलत हो रहा है, इसे सही करने का प्रयास करोगे। यहाँ पे थोड़ी सी एक्यूरेसी क्या होती है, एक्यूरेसी आपकी थोड़ी सी गड़बड़ होती है, तो थोड़ा सा आसान तो है बट कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो अभी इस सेक्शन और इस सेक्शन को मैं कंपेयर करूँ तो जीएस और मैथ्स में पहले आप मैथ्स की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर लो, मैथ्स रीजनिंग और डीआई को, क्योंकि ये 30 क्वेश्चन आपका सेफ हो जाएगा और आसान है। ऐसे ही यहाँ पे जीएस में लिखा हूं, ये करंट अफेयर्स है, ठीक है, यहाँ पे करंट अफेयर्स की बात करें, करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस। करंट अफेयर्स में बच्चे परेशान रहते हैं, सर करंट कहां से पढ़े, करंट कहां से पढ़े, एक टर्म आता है टाइम मैनेजमेंट। मैंने आपको बताया आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए, और टाइम मैनेजमेंट किसके केस में अच्छा होना चाहिए, ये आपके करंट के केस में बहुत अच्छा होना चाहिए। देखो भाई कोई भी एग्जाम हो, करंट हमेशा सेम होती है, वो चाहे पीसीएस की परीक्षा हो, वो चाहे अधीनस्थ की परीक्षा हो, वो चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की परीक्षा हो, वो चाहे केंद्र के एसएससी वगैरह एग्जाम, रेलवे की परीक्षा हो, लेकिन करंट हमेशा सेम रहती है और इसके पूछने का स्कोप भी कॉमन रहता है। आज मार्केट में 2-3 किताबें हैं करंट के लिए, कुछ बच्चे मैं देखता हूं एक एक घंटा सुबह क्लास करेंगे, कोई 6 बजे क्लास लगा रहा है, कोई 7 बजे क्लास लगा रहा है। आपने देखा होगा टीम परीक्षा प्लस आज तक करंट की क्लास नहीं चलाते डेली बेसिस पे, क्योंकि हमें व्यूज से मतलब नहीं है। मैं आपका समय नहीं बर्बाद करता हूं, और हर बार बोलता हूं कि भाई जो आज के भी समय, पहले भी समय यही था, आज का भी समय यही है कि आप अपने से पढ़ाई करो, आप अपने से, जो बच्चा घर में कमरे में बंद होकर पढ़ाई करता है ना, वही 99% वाला है। जो बच्चे 6-6 घंटा 8-8 घंटा यूट्यूब पे कमेंटबाजी हाय सपना हाय मीरा कर रहा है ना, उसका नहीं होता और ना ही होगा, भले ही आपको बात बुरी लगे। तो सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस रहो। दूसरी बात यह है कि करंट अफेयर्स के लिए बिल्कुल परेशान मत हो। करंट अफेयर्स के लिए एक आपकी क्रॉनिकल की मैगजीन आती है, मंथली बेसिस पे पढ़ो, क्रॉनिकल हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, और मंथली बेसिस पे तैयार करते चलो। 18 सितंबर को आपका पेपर है, मतलब कि आपका 5 सितंबर 6 सितंबर तक पेपर आपका बन जाएगा। कहने का मतलब सितंबर की आपका खबर नहीं पूछेगा, कहां से पूछेगा, अगस्त जुलाई और फिर मई जून और ज्यादा से ज्यादा अप्रैल, मतलब अप्रैल से लेके अगस्त तक इतना ही आपको तैयार करना है करंट अफेयर्स। और कहां से तैयार करना है, पहले आप मंथली ले आओ, मंथली आपको अप्रैल का, मई का और जून का, अभी क्रॉनिकल मिल जाएगा, जुलाई और अगस्त अभी महीना ही नहीं है तो जब आएगा तब पढ़ लेना। तो 3 महीने की करंट आप अभी से पढ़ना शुरू कर दो, करंट एक बार नहीं मल्टीपल टाइम पढ़ो। करंट एक ऐसा विषय है जहां पे पता होता है कि ये क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन बच्चा फिर वहीं पे गलत करता है, क्योंकि करंट का रिवीजन बहुत अच्छे से नहीं करता है, जबकि करंट पे आपको रिवाइज बार बार करने, कहां से करने, इन्हीं किताबों से। और उसके बाद जब आपकी ये 5 महीने का क्रॉनिकल कंप्लीट हो जाए तो आप घटना चक्र या घटना सार दोनों में से कोई भी आप क्या ले आओ, एक अर्धवार्षिकांक ले आओ, इन दोनों किताबों में से कोई भी ले आओ, और हाफ ईयरली इसकी आती है, हाफ ईयरली अच्छे से पढ़ डालो, ठीक है, किस मंथ का, अप्रैल से अगस्त, इतना तैयार हो जाता है तब आप मार्च वगैरह का तैयार करो कि इन केस क्वेश्चन पूछ लेता है, बट अगस्त के बाद का, सितंबर 3-4 सितंबर के बाद का एक भी क्वेश्चन आप मत तैयार करो, क्योंकि वो आपके एग्जाम में पूछा ही नहीं जाएगा, तो एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। तो करेंट के लिए पहली बात, तो आप जिन यूट्यूबर्स के साथ जाते हो एक एक घंटा 1.5 घंटा बर्बाद करते हो, हाय हेलो करने की जरूरत नहीं है, करेंट आप खुद पढ़ो, और 4-5 क्वेश्चन आपका यहां से पूछेगा, सॉरी 10 क्वेश्चन तो पूरा ही दिया, तो 10 क्वेश्चन पूरा का पूरा यहां से करेंट अच्छा पूछता है। बाकी जनरल अवेयरनेस
सिलेबस में आपका जो स्टैटिक होता है ये भी किससे रिलेटेड होता है, ये मैक्सिमम चार से पांच क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स रिलेटेड होगा, बाकी जो चार पांच क्वेश्चन हो गए जैसे बुक्स एंड अथॉरिटी टॉपिक दे दिया है, जैसे यहाँ पे देखो है ना, अगर जनरल अवेयरनेस की बात करूं मैं, करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस सबसे लास्ट में इसका सिलेबस दिया होगा, ये जनरल अवेयरनेस यहाँ पे देखो, तो भारत के पड़ोसी देश मतलब ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, देश राजधानी और मुद्रा ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, भारत के राज्य ये पॉलिटी का टॉपिक है, भारतीय संसद ये पॉलिटी का टॉपिक है, ऐसे ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये आपका जीके है कोर, विश्व संगठन उनके मुख्यालय ये आपका जीके है कोर, भारतीय पर्यटन स्थल ये आपका कोर जीके है, भारतीय कला संस्कृति ये भी हिस्ट्री नहीं, ये आपको कोर जीके बोल सकते हो, और भारत एवं विश्व के खेल ये आपका जीके है। तो कायदे से कोर जीके जो आपका बुक्स एंड ऑथर्स, और आपको यही तैयार करना है, भारतीय अनुसंधान संगठन ये है, प्रसिद्ध पुस्तक और लेखक पुरस्कार एवं विजेता, और जलवायु परिवर्तन पर्यावरण। अब ये जो टॉपिक है ये आपके करंट से पूछता है, मतलब ऐसे जीके पूछेगा जो करंट से रिलेटेड होगा, ये जो ऊपर वाली टॉपिक है ये आपका कन्वेंशनल है, पारंपरिक है, मतलब जो आपके कोर सब्जेक्ट है हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, वहां से क्वेश्चन पूछेगा। तो आपके ये टॉपिक केवल बचते हैं जीके का, और ये भी आप केवल कैसे तैयार करना है वो पूरा आपको जनरल अवेयरनेस की रामबाण पीडीएफ परीक्षा प्रेस के थ्रू दी जाती है, भटकने की जरूरत नहीं है, वो पीडीएफ आप अच्छे से रट लीजिएगा, मैं कंफर्म बता रहा हूं एक भी क्वेश्चन पर गलत नहीं होगा, और इससे पूर्व भी जो पीटी की परीक्षा हुई थी 2021 में सारे के सारे क्वेश्चन आप उस पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो जाहिर सी बात है जब मैंने उसमें सारी इंफॉर्मेशन डाल दिए, आपको ज्यादा पेज भी नहीं है, मुश्किल से आप 100 पन्ने का वो पीडीएफ है, और 100 पन्ने पीडीएफ पढ़ के अगर आप 10 क्वेश्चन ला सकते हो तो भाई उसे आप जरूर पढ़ो, क्योंकि वो सारे किताबों का सारे, और फिर वो अपडेट होती रहती है, करंट के अकॉर्डिंग अपडेट होगी, कन्वेंशनल टॉपिक के तरीके से अपडेट होगी, तो वो आपको मैं आज ही बता दे रहा हूं कि जनरल अवेयरनेस के लिए रामबाण पीडीएफ है ना परीक्षा प्लस की जल्द ही आएगी, और वो पीडीएफ आपको निशुल्क में उपलब्ध करा दी जाएगी, आप अच्छे से पढ़ो, कुछ भी भटकने की जरूरत नहीं है, बहुत जबरदस्त कंटेंट है। आगे देखते हैं यहां पे जो मैं आपको स्ट्रक्चर की बात बता रहा था कि अब देखो मैंने बताया 30 क्वेश्चन आपका आसान है, और ऐसे ही ये 20 क्वेश्चन आसान है, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि कोई भी बच्चा 20 में 20 कर पाएगा, नहीं, असंभव है, असंभव तो नहीं है बट बहुत मुश्किल है, लेकिन आप इसमें इस 20 में से आप कम से कम 17 से 18 क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हो अगर करंट पे आपकी पकड़ मजबूत हो गई, क्योंकि करंट में आपको 10 में 9, 8, 9 तो करने ही करने हैं, और ऐसे ही आपको जनरल अवेयरनेस में भी आपको 8, 9 करने हैं, मतलब आप उसे मान के चलो कि 17, 18, 16, 17 क्वेश्चन बहुत आराम से कर ले जाओगे। हिंदी के 15 क्वेश्चन ये आपके एक भी क्वेश्चन गलत करने वाले नहीं होते, 15 के 15 आप टॉपिक के हिसाब से करोगे, आपने सिलेबस देखा है, मैं आपको हिंदी के सिलेबस भी एक बार दिखा दे रहा हूँ, बहुत ही छोटा सिलेबस है, मतलब पढ़ने बैठ जाओगे तो 2 दिन में हिंदी, भाई संधि में क्या ही पूछ लेगा, वो टाइप ऑफ संधि किसे पूछ लेगा ये कौन सा संधि है, और समास भी नहीं दिया हुआ यहाँ पे। उसके बाद देखा जाए तो विलोम और पर्यायवाची ये थोड़ा सा वास्ट है, लेकिन टीम परीक्षा प्रेस के द्वारा कुछ पीडीएफ दी जाती है उसमें वही रखे जाते हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होते हैं, और ये कायदे से पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करोगे तो वहां से कवर हो जाएंगे मैक्सिमम। वाक्यांशों के लिए एक शब्द आप आराम से एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो। ग्रामर का केवल 2 पोषण संधि और लिंग है, बाकी सारे वो कैप्स बेस है, सामान्य अशुद्धियां और लेखक और रचनाएं। ये टॉपिक आपको रमन सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, दोबारा फिर से पढ़ा देंगे आपके कोर्स में, वो भी निःशुल्क कोर्स है, तो ये इसके लिए चिंता नहीं करना है, मतलब हिंदी के लिए, और बाकी गद्यांश के लिए तो मैंने आपको बताया ही, और आपको कोर्स में अच्छे से बताया ही जाएगा। इस 15 क्वेश्चन में आप 15 के 15 करने का कोशिश करो। अब देखो मैंने ऐसे बताया कि अगर आप 30 यहां कर लेते हो, 15 यहां 45 कर लोगे, मैं कह रहा हूं 17-18 यहां पे कर लेते हो, तो आप 45 और 15 आपका 60 हो गया, मतलब 62 से 63 क्वेश्चन आप यहां पे आउट ऑफ 100 आराम से कर लेंगे, समझ रहे। अभी भी आपके पास 5 अंग्रेजी का बचा हुआ है, 30 क्वेश्चन जीएस का बचा हुआ है, तो अंग्रेजी के लिए आपको डरना नहीं है, ये बहुत आसान होता है। कंप्रेहेंसिव कैसे कवर करना है, कैसे आपको पैसेज को पढ़ना है, कैसे आपको पैसेज को कंप्लेंट करना है, कैसे सोल्यूशन देना है, वो सब कुछ हनीफ सर बता देंगे। बाकी मैं हूं वो कैब बेस्ट के लिए, किसी भी चीज के लिए मैं आपको तैयार करवा दूंगा अंग्रेजी भी, तो इसमें मैं 5 में से आपको 5 दिलवा दूंगा। अगर आप हिंदी भाषी हो, अंग्रेजी में वीक हो, तो भी आप कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन मैं फिर भी मानता हूं अंग्रेजी में आप 3 क्वेश्चन करते हो, तो यहां पर अगर 3 क्वेश्चन ले लिया जाए तो 65/100 क्वेश्चन इजिली आप कर सकते हो। और पिछली बार 65 क्वेश्चन पाने वाला बच्चे का परसेंटाइल 88 से 89 था, फिर आप क्यों ऐसा हुआ बनाए हो कि 90% लाना कठिन है? नहीं कठिन है, आपके पास अभी जीएस है, और जिनका जीएस बैकग्राउंड होता है वो तो आराम से बहुत अच्छा करते हैं, और जीएस भी पूरा सिलेबस दिया हुआ है, आप अच्छे से करोगे, तो मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, फिर भी 20 से 25 क्वेश्चन बहुत सेफ जोन में खेलोगे तब आप इतना अच्छा करके आओगे। तो आप यहां पर जोड़ सकते हो कि 85 क्वेश्चन आप अभी पहुंच गए,
एक चीज और, अटेम्प्ट आपको एग्जाम में, अभी तो मैं और भी वीडियो बनाऊंगा आपको जब जैसे जैसे पेपर आएगा, बट अटेम्प्ट आप 100 क्वेश्चन लेके चलो, क्योंकि नेगेटिव 1/4 है तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और क्वेश्चन की संख्या कम है। जब क्वेश्चन की संख्या ज्यादा होती है तब आप अटेम्प्ट मना किया जाता है, जब संख्या ही कम है 100 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट आप 100 में 100 करो और कोशिश करो कि आपका 90% से 85% आपका क्या रहे, एक्यूरेसी रहे, तो आपके 85 ये 80 प्लस आपका स्कोर आ जाएगा बहुत आराम से। अगर 80 प्लस स्कोर आ गया तो आप 96 से 97 परसेंटाइल में आराम से एंट्री कर जाओगे, तो मैक्सिमम एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। मैं उन एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं जहां पे 50-60 ही पद पूछेंगे। तो ये आपकी एक ओवरऑल स्ट्रेटजी होनी चाहिए। पीडीएफ की पीडीएफ मैं आपको दूंगा, इसकी सिलेबस की पीडीएफ आप अच्छे से देख लीजिएगा, इसकी मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा। ये आपका तैयारी का तरीका होना चाहिए। अब बात आती है कि सर तैयारी करें कहां से, है ना, कहां से तैयारी करें और इसके लिए सबसे बेस्ट वो होना चाहिए। तो एक चीज मैं आपको बोलूंगा कि आज के समय में कोई भी संस्थान है, किसी का भी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट कोई भी संस्थान 2000 से नीचे फीस रखना नहीं चाह रही है। ऑफर के बाद भी उनकी फीस 999 है। टीम परीक्षा प्लस जानती है कि भाई जब आपका सिलेबस नहीं बदला है, जब आपका पैटर्न नहीं बदला है, तो टीचर क्या ही नया पढ़ा देगा, क्या ही नया मेहनत आएगा, टीचर तो वही है। और इसी कारण से टीम परीक्षा प्लस ये पूरा पीटी का बैच आपका क्या है, पूरा का पूरा फ्री कर दिया है। आज ही जाओ गूगल प्ले स्टोर से परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करो और वहां से आप कोर्स में इनरोल्ड हो सकते हो, किसी समस्या पे इन नंबर पे कॉल कर सकते हो। मैं आपको बता दूं इस कोर्स में, हालांकि ये कोर्स 999 का रखा गया था पहले ही प्राइस, लेकिन इसमें केवल उतना आपसे लिया जा रहा है जो इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज है। अभी बहुत सारे बच्चे बोलोगे सर आप ले तो रहे हो, लेकिन एक बात बताओ भाई, जब हम आपको कोई सेवाएं दे रहे हैं, समझना, तो जब आप कोर्स परचेज करते हो तो पेमेंट गेटवे होता है, वो पेमेंट गेटवे अपना कुछ ट्रांजेक्शन काटेगा कि नहीं काटेगा। आप जो हम ऐप पे आप जब क्लासेस हम चलाएंगे तो जो हमें ऐप दे रखे वो हमसे कुछ पैसा लेंगे कि नहीं लेंगे। ऐसे ही जब हम कोई सर्वर यूज करेंगे तो हमारा जो डेटा जाएगा वो हमारा जाएगा, तो केवल आपसे इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज लिया जा रहा है, कोई भी टीचर ना ही कोई भी ट्यूशन फीस आपकी पूरी की पूरी क्या है, फ्री है। जो ट्यूशन फी है वो आपकी पूरी की पूरी फ्री है, आप इसे पूर्णता निशुल्क बोल सकते हो, ना ही यहाँ पे अब जो भी वहन होगा, जो भी खर्चा आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ जो हमारी फैकल्टीज होंगे मैं उनके साथ तो अन्याय नहीं कर सकता हूँ, उनको तो मैं उनके जितनी भी क्लास हो कराएंगे ताकि वो ईमानदारी से आपको पढ़ाएं, वो बहुत अच्छे से पढ़ाए। जाहिर सी बात है भाई, एक टीचर हमसे जुड़ता है इसीलिए जुड़ता है कि वो उसकी भी कहीं ना कहीं घर का दाल रोटी चल सके। बहुत बहुत यथार्थता है इसमें, बहुत सच्चाई है इसमें, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। अगर मैं किसी टीचर को पैसा नहीं दूंगा तो वो टीचर मेरे यहाँ पढ़ाने नहीं आएगा, और हो सकता है व्यवहार के रूप में मेरे यहाँ पढ़ाने आ जाए तो वो 10-12 क्लास में कैसे भी कंप्लीट करके चला जाएगा। हो सकता है कि वो आपके भविष्य के बारे में, आपके हित के बारे में ना सोचे, किंतु मैं आपके हित के बारे में अगर सोच रहा हूँ, टीम आपके हित के बारे में सोच रही है, तो सारे टीचर्स का पूरा पैसा इसमें दिया जाएगा। और जितनी भी हमारी किताबें हैं, हम किताब भी लॉन्च करेंगे, वो भी आपको हो सकता है निशुल्क ही उपलब्ध करवा दें, अगर सब कुछ ईश्वर के दया से सब कुछ ठीक रहा तो वो भी आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। बाकी जितने नोट्स हैं बहुत ही क्वालिटेटिव कंटेंट है, रामबाण पीडीएफ दिया जाएगा जीएस का एक एक। मैं नोट्स अब नोट्स की क्वालिटी देख लो कि कौन से किस तरीके के नोट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, तो वो भी एक बार आप देख लो। जैसे ये है आपका यूपी ट्रिपल एससी पीटी में भूगोल का नोट्स आपको दिखा दूं 2022 के लिए, जो 5 प्रश्न हेतु है, इसमें बकायदा ये इतनी जबरदस्त दिया गया और इसमें साफ साफ लिखा भी गया है संपूर्ण भूगोल विषय भौतिक एवं मानव भूगोल में विभाजित किया गया है, जहां भौतिक भूगोल का तात्पर्य पृथ्वी से पूरा दिया गया हुआ है। उसके बाद ये बोला गया है कि अभी 20% अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है इसमें, ताकि आपका इर्द गिर्द पूछता है तो वो कवर कर ले। अब इसमें देख सकते हो बहुत ही क्वालिटेटिव, एक भी ना ही आपको गलती मिलेगी, और बहुत ही आप इसे सीधा प्रिंट कराओ किताब आपके हाथ में आ जाएगी, सौरमंडल में पृथ्वी सारी चीजें जितना भी हो सकता है यूनिवर्स, जो भी आपके टॉपिक दिए हैं पूरा, वो भी इमेज के माध्यम से, जो भी हो सकता है जितनी बेहतर तरीके से सकता है, मैप के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से, सब कुछ बहुत विधिवत तरीके से इस पीडीएफ में आपको दिया गया है। और ऐसे ही सारे नोट्स होंगे, ऐसे ज्योग्राफी, ऐसे हिस्ट्री, ऐसे ही पॉलिटी, ऐसे ही मैथ्स, सब कुछ, ऐसे ही इंग्लिश, बहुत जबरदस्त तरीके से आपको कवर कराया जाएगा। तो आपको ये नहीं सोचना है कि सर ऐसा तो नहीं कि फीस नहीं ले रहे हो आप कवर ही नहीं करा पाओ। टीम परीक्षा प्लस इतनी गंभीरता से काम करती है कि अगर आपसे कोई वादा करती है तो उस वादे पे वो खड़ा उतरेगी और बहुत जबरदस्त तरीके से आपका पूरा कोर्स कवर कराएगी, आपके साथ टाइम टाइम पे खड़ी रहेगी। यही नहीं, अभी आप कोर्स के फीचर में आपको दिखा दूं, है ना, कोर्स का आपको मैं फीचर एक बार दिखा देता हूं। जैसे इसमें देखो लाइव क्लासेस पूरी दी जाएंगी, क्लासेस बहुत सारी संस्थाएं क्या कर रही हैं, जो पुराना ही है ना उसी को उठा के दे रही हैं, लेकिन टीम परीक्षा प्लस फिर से एक एक टीचर से एक क्लास करवाएगी,
क्योंकि मैं जानता हूं कि जो लाइव में मजा आता है वो रिकॉर्डेड में नहीं आता है, लेकिन इसके अतिरिक्त लाइव होने के बाद एक क्लास आपके रिकॉर्डेड सेक्शन में चली जाएगी, आप वहां से वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हो अपने ऐप में और वहां पे कई बार जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो, और जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक आपके पास ही वीडियो सुरक्षित रहेगी। स्टडी मटेरियल मैंने आपको दिखाया ही कितनी जबरदस्त तरीके से आपका है। सेक्शनल टेस्ट, जैसे मैंने आपको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया कि जीएस आपका 30 क्वेश्चन का, मैथ आपका 30 क्वेश्चन का, जो भाषा आपकी 15-20 क्वेश्चन की, 15 हिंदी, 5 रीजनिंग, 5 इंग्लिश, ऐसे ही आपका जो करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस है 20 है, तो वो सेक्शन वाइज आपको ये तैयारी करवाई जाएगी कि हर सेक्शन में आप अच्छा स्कोर कर, आपका मैथ बैकग्राउंड है तो आप कैसे जीएस में इंप्रूव करो, जीएस का बैकग्राउंड है तो कैसे मैथ में इंप्रूव करो, बहुत जबरदस्त। और यही नहीं, समय समय पर आपका जूम मीटिंग और गूगल मीट के थ्रू डिस्कशन करवाया जाएगा कि आपसे एकदम लाइव जो होगा एकदम फेस टू फेस कि कहां पे आपकी कमी रह गई है, कहां पे दिक्कत है, ये सब कुछ आपका करवाया जाएगा। टेस्ट सीरीज और डाउट सेशन तो इसमें रहेंगे ही रहेंगे, है ना कि? ये फीस देखो पहले 2000 थी 399, लेकिन अभी सब कुछ हटा के आपको पूर्णतः निशुल्क दे दिया गया है, केवल आपसे इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज ली जा रही है। तो मेरे भाई अगर आप इससे जुड़ना चाहते हो तो आज ही परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है? ये आपका परीक्षा प्लस ऐप है, ऐसा आपको दिख जाएगा, गूगल प्ले स्टोर से जाएंगे और वहां से ऐप डाउनलोड करने के बाद आप हमसे जुड़ सकते हो। वहां पे 299 का पेमेंट मांगेगा, कोई आपको डिस्काउंट कूपन नहीं लगाना है, कोई कुछ नहीं लगाना है, सब कुछ ऑलरेडी लगा हुआ है, केवल आप इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज दोगे और आप कोर्स में एनरोल हो जाओगे, पूरा कोर्स आपका फ्री हो जाएगा और सब कुछ बहुत प्रॉपर तरीके से पूरे विश्वास से दिया जाएगा। तो ये तो मैंने कोर्स की बात किया, मैं इन उन बच्चों के लिए बता रहा हूं कि वो बच्चे जो कहीं ना कहीं एक ऐसे घर से बिलोंग करते हैं जिनको एफर्ड कर पाना, बार बार कोचिंग एफर्ड नहीं कर सकते हैं, बार बार पैसे नहीं दे सकते, एक ही चीज के लिए बार बार नहीं पढ़ सकते हैं, जहां पे ये टैग लगता है कि यूट्यूबर्स कोचिंग है बच्चों को लूटती हैं, वो टैग में परीक्षा प्लस कभी शामिल नहीं होना चाहता है। जहां पे हमसे जो हित हो सकता है वो हित हम आपसे पहले करते भी आए हैं और आगे भी करते रहेंगे, बस आपका प्रेम आपका स्नेह हमारे ऊपर बना रहे। तो इसके अलावा मैं एक बार स्ट्रेटजी आपको, जैसे जैसे टाइम बीतेगा 60 दिन की स्ट्रेटजी मैं आपको एक दिन लेके आऊंगा, कैसे 60 दिन में अच्छे से तैयार करो, लेकिन आप अपनी तैयारी अभी से प्रारंभ कर दो। आपका ये जो ऑफर है ये केवल 2 दिन का है, आज ही एनरोल कर लो और बाकी सारी समय समय पे मैं आपके सामने आता रहूंगा, बहुत बेहतर तरीके से समझाता रहूंगा, एक एक आयोग से लेके, मेरा हर सप्ताह आयोग ही जाना होता है, आयोग के अंदर क्या हो रहा है इसे लेके परीक्षा में क्या आना है, एक एक बात की जानकारी आपको यहां पे परीक्षा पे मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और कोर्स से जरूर जुड़ेगा। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।